Hello and welcome to NewsClick. The Yogi government in Uttar Pradesh has yet not completed one month of its tenure, but there has been a constant attack on slaughterhouses, minorities, and livelihood of people. To discuss the issue, we have with us Komit Subashni Ali. She is a Politburo member of the CPI(M) and a former MP from Kanpur. Welcome to NewsClick. So, this crackdown on the meat sellers, slaughterhouses. While High Court has given a judgment, uh, has given a call that they can't do this, but the government is continuously pursuing it. What do you have to say on that? You see, first of all, I would like to make one thing very clear: that the moment we say this is an attack on minorities or see it as an attack on minorities, actually we are seeing a very small part of the picture, and we are we also help some people who want to polarize society to uh, effect this kind of polarization. Actually, what the government of Uttar Pradesh has done now, and even what was happening earlier, that is the attacks on people who were transporting animals, etc., it is affecting lakhs and lakhs of people who do not belong to the minority community. They are mostly Dalits and also farmers. So, I would just like to clarify certain things. First of all, it is being projected that illegal slaughterhouses have been closed. तो ये कहा जाता है कि जो अवैध बूचड़खाने हैं उनको बंद किया गया है तो ये भी बिल्कुल गलत बात है क्योंकि जितने बूचड़खाने हैं जितने एबटवार हैं वो सब किसी भी आ, मतलब इस व्यवसाय में लगे हुए व्यक्ति के नहीं हैं दीज आर नॉट प्राइवेट स्लॉटर हाउस जितने भी बूचड़खाने हैं सबके सब नगर महापालिका और टाउन एरियाज़ के हैं उनकी मिल्कियत है और जो सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया था तीन साल पहले उसमें उन्होंने बहुत स्पष्ट कहा था कि इनको बंद नहीं करना है इनको स्थानांतरण इनका नहीं करना दे शुड नॉट बी क्लोज दे शुड नॉट बी ट्रांसफर्ड बट दे शुड बी ब्रॉट अप टू द रिक्वायर्ड नॉर्म्स एंड द रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड्स इट इज देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू डू दिस दे हैव फेल्ड और दे हैव नॉट डन इट और दे हैव स्टार्टेड द जॉब एंड इट हैज़ नॉट बीन कम्पलीटेड सो वाई शुड द पीपल

नॉट द वन सेट ऑफ अ पिग्ज आर एंटायरली यूज ओनली बाय द खटिक कम्युनिटी विच इज़ अ दलित कम्युनिटी तो इन तीनों में भी एक बूचड़खाना ऐसा है जो केवल दलित इस्तेमाल करते हैं जो खटिक बिरादरी के हैं जो सुअर काटते हैं और सुअर का गोश्त बेचते हैं अब दूसरी बात जो वो कह रहे हैं कि इनके पास लाइसेंस नहीं है दुकानों के पास बट द लाइसेंसिंग अथॉरिटी इज ऑल्सो द नगर महापालिका एंड द पालिकाज मैनी कंट्रोल्ड बाय बीजेपी तो पिछले डेढ़ दो सालों से क्या हो रहा है कि ये जो नगर महापालिका पालिकाएँ हैं खास तौर से जिनके ऊपर भारतीय जनता पार्टी का नियंत्रण है वो लोगों का लाइसेंस रिन्यू नहीं कर रहे हैं नवीनीकरण नहीं कर रहे हैं और अब 31 मार्च को तो इस साल में 2017 में सारे लाइसेंसेस रद्द हो गए हैं दे हैव टू ऑल बी रिन्यूड एंड सो नाउ दे इज नॉट अ सिंगल पर्सन हु इज गॉट अ लाइसेंस तो ये कहना कि ये अवैध है तो इट इज़ नॉट द इंटायर पिक्चर दे आर अनलाइसेंस्ड बिकॉज द लाइसेंसिस हैव नॉट बीन रिन्यूड एंड द प्रोसेस फॉर रिन्यूइंग द लाइसेंस हैज़ नॉट बीन फॉलोड सो दिस ऑल्सो इज द फॉल्ट ऑफ द लाइसेंस इशूइंग अथॉरिटीज लेकिन इसके अलावा एक बहुत बड़ा क्षेत्र है जो इससे प्रभावित हो रहा है जिसको देखने की ज़रूरत है उत्तर प्रदेश के हर जिले में एवरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश हैज़ वीकली कैटल मार्केट्स एंड ईच डिस्ट्रिक्टज़ बिटवीन सेवन टू ट्वेल्व इन ईच मार्केट बिटवीन फाइव हंड्रेड एंड फिफ्टीन हंड्रेड कैटल आ बॉट एंड मोस्टली दे आर बफलोज बिकॉज ऑब्वियसली द सेलिंग एंड बाइंग ऑफ काउस हैज़ नाउ बिकम वेरी डेंजरस तो गाय तो बहुत कम बिकते हैं इन uh, जो बाज़ारें होती हैं हफ्ते हफ्ते की लेकिन पाँच सौ से लेकर के पंद्रह सौ भैंस हर रोज किसी न किसी जिले में बिकते हैं अब आप गिनो गिनिए कितने ज़िले हैं तो सत्तर से तो ऊपर ज़िले हैं और हर ज़िले में रोज इतने जानवर बिकते थे अब पिछले पंद्रह दिनों से लास्ट फिफ्टीन ट्वेंटी डेज ऑल दीज वीकली मार्केट्स हैव कम टू अ कंप्लीट स्टैंड स्टिल सो हु इज सफरिंग नंबर वन जो उस जगह का मालिक है जो उससे कमाता था दे आर ऑल वेरी वेल्थी लैंड लॉज एंड आर नॉट मुस्लिम्स द गवर्नमेंट इज़ लूजिंग ह्यूज अमाउंट्स ऑफ रेवेन्यू सरकारी पैसा बिल्कुल जो वहाँ से आता था वो भी बंद हो गया है लेकिन बेचने वाले भैंसों के अधिकतर आस पास के किसान थे और उनमें निश्चित तौर पर बहुत बड़ी संख्या गैर मुसलमानों की थी आधी से ज़्यादा तो ये लाखों का मामला है जो पिछले 20 दिन से एक भी अपनी भैंस बेच नहीं पाए हैं अब लोग कहते हैं कि वो जो निर्यात के लिए खुले हैं भूचड़ हाउस खाने वहाँ जा सकते हैं लेकिन सवाल ये कि उनको वहाँ ले कौन जाएगा जब वहाँ रास्ते में लोगों को डर लगता है वन पीपल आर थ्रेटन ऑफ बी अटैक्ट सो वॉट इज हैपनिंग इज दैट द फार्मर्स यूज टू कम टू द मार्केट्स बट सिंस देर नो बायर्स अब उनका आना भी बंद हो गया और उन बाज़ारों का चलना भी बिल्कुल बंद हो गया है तो वो जो हजारों हज़ार किसान हैं जिन्होंने मान लीजिए एक लाख रुपए में भैंस खरीदी थी तीन साल चार साल उस भैंस ने दूध दिया उसने कमाया सोल्ड बॉट फोर अब लैक ऑफ रुपीज ईच गुड मिल्क प्रोड्यूसिंग बफलो एंड दे गेव मिल्क फॉर से फोर ईयर्स फाइव ईयर्स नाउ दे कैन ऑल्सो बी सोल्ड एंड दे आर सोल्ड फॉर अ गुड प्राइस चालीस हजार पचास हज़ार रुपया किसान को मिल जाता था और इसीलिए वो भैंस खरीदने में पैसा लगाता था दूध के लिए अब जब वो बेच नहीं पाएगा तो अगली बार वो खरीद भी नहीं पाएगा तो जो पूरा दूध का उत्पादन है द होल मिल्क प्रोडक्शन इज ऑल्सो गोइंग टू टेक severe बीटिंग बिकॉज मिल्च कैटल विल नॉट बी बॉट और फिर हम आते हैं जो चमड़े का उद्योग है अगर वहाँ खाल नहीं आएंगे तो चमड़े का उद्योग कैसे चलेगा तो मैं कानपुर की बात आपको बता सकती हूँ इन कानपुर दे आर टू हंड्रेड एंड थ्री स्मॉल टैनरीज आर ऑन द वर्ज ऑफ क्लोजर बिकॉज नंबर वन पोल्यूशन कंट्रोल एंड सोन एंड सो फॉर लैक ऑफ डिमांड फ्रॉम आउटसाइड एंड नाउ द लैक ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ स्किन नाउ हु डज द एक्चुअल इनिशियल ट्रीटमेंट ऑफ हाइड्स दे आर ऑल दलित डू द सोल्टिंग ऑफ द हाइड्स टू मेक दम सेमी फिनिश And after that, the small tanneries, 75% of their workers are Dalits. So if they're 203 with an average of say 100 workers each, you can understand how many people have lost their livelihood. And the larger tanneries, which are about 100, which employ altogether thousands of people. Now they are also laying off because the price of hide has gone up 15% in the last 15 days and the availability is absolutely without any guarantee since you have pointed out so many things do you think they didn't uh, consider all these facts they didn't consider all these matters because if you look at the uh, different spokesperson of the bjp the ministers some people are also link it, linking cow protection to freedom struggle so what's the agenda behind you see, this entire the problem event? is that it is not only the bjp which looks at it in a very very short sighted manner बट अनफॉर्चुनेटली ऑल द पीपलू अपोजिट दे ऑल्सो लोकेटेड इन द सेम वे जो तस्वीर बीजेपी के लोगों को दिखाई देती है वही तस्वीर उन लोगों को भी अधिकतर दिखाई देती है जो उनका विरोध कर रहे हैं बात बहुत बड़ी है और जब तक इस पर तमाम किसानों की बात तमाम मजदूरों की बात तमाम उद्योग की बात को जोड़ करके नहीं देखा जाएगा तब तक इसका विरोध भी नहीं हो पाएगा और सरकार को सही रास्ते पर लाने का काम भी शायद प्रभावशाली रूप से हम लोग नहीं कर पाएंगे क्या इस पूरे प्रक्रिया को आप एक जो संघ का ब्राह्मणवादी एजेंडा रहा है अपर कास्ट एजेंडा उसको भी एक पुश करने का ये तरीका देखिए ये तो है ही और इसीलिए वो तो अपना काम कर रहे हैं अपने एजेंडे के साथ कि अभी उन्होंने एक शायद स्टेट में मध्य प्रदेश ने कहा है कि गाय को मारना हाँ छत्तीसगढ़ छत्तीसगढ़ में पुरुष को मानव हत्या के बराबर होगा तो ये तो मनुस्मृति है मनुस्मृति में एक ब्राह्मण का वध और गा गौ का वध यही एक ऐसा है जिसको मतलब मृत्युदंड दिया जा सकता है बाकी आप अलग अलग श्रेणी के पुरुषों को मारें तो अलग अलग श्रेणियों में आपको सज़ा मिलेगी तो ये तो लगता है कि जैसे मनुस्मृति को लागू करने का जो संघ का बहुत पुराना एजेंडा ये पहला कदम है लेकिन इसको करने में वो पूरे समाज का और पूरे देश का ध्रुवीकरण बंटवारा ये तो अलग है मतलब तो कितना आर्थिक नुकसान कर रहे हैं और कितने लाखों लोगों की जीविका के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं इसको भी अब समझने की जरूरत है तमाम लोगों की तरफ से ये जो पूरा मुद्दा आ, सामने आ रहा है इसके साथ ही साथ लगातार विजलांते ग्रुप्स ने भी अब सड़कों पर कब्जा जमा लिया है अलवर में क्या हुआ हमारे सामने है तो सरकार का क्या इन पे भी कोई नियंत्रण नहीं है या इन्हें खुली छूट है? देखिए सरकार का कोई नियंत्रण इसलिए नहीं है क्योंकि जिसको हम संघ परिवार कहते हैं कि ये सब लोग उसका हिस्सा है ये उन्हीं के परिवार का हिस्सा है कुछ लोग सरकार चला रहे हैं और कुछ लोग ये सारे काम कर रहे हैं इसलिए वो उसको देखते नहीं हैं अपने से अलग लेकिन फिर जब उनको सरकार चलाना है उनको प्रशासन चलाना है तो उनमें से कुछ लोगों को ये देखना भी पड़ता है कि हाँ भाई ये तो कानून तोड़ने की बात है इसका आगे क्या असर पड़ेगा वगैरह वगैरह तो उनकी तरफ से भी विरोधाभास से भरे हुए बयान आते हैं कुछ लोग कहते हैं कानून से के ऊपर कोई नहीं है कुछ लोग कहते हैं नहीं ये तो हमारा इतना ज़्यादा दिल से और हमारी भावनाओं से जुड़ा हुआ मामला है फिर हम कानून को नहीं देख सकते तो ये तो विरोधाभास है क्योंकि सरकार चलाना प्रशासन चलाना और अपने इस बहुत ही विवादास्पद एजेंडे को आगे ले जाना है, इसके अंदर तो विरोधाभास है और वो रोज़ बहुत स्पष्ट होता ही जा रहा है अब केरला के अंदर उनके जो कैंडिडेट हैं मलप्पुरम डिस्ट्रिक्ट के उपचुनाव में वो तो सीधा सीधा कह रहे कि भाई गाय का मांस खाने में बहुत अच्छा है और अगर मुझे आपने वोट दिया तो मैं मलप्पुरम में बहुत अच्छी गुणवत्ता का गाय का मांस उपलब्ध कराऊंगा तो ये वहाँ ये कह सकते हैं बाकी जगहों पर के बारे में कह रहे हैं नॉर्थ ईस्ट में कह रहे हैं कि वहाँ पार्टियाँ कर रहे हैं कि हम कभी इसको बंद नहीं करेंगे तो ये जो हमारे देश की बनावट है हमारे समाज की बनावट है उसको देखते हुए वो अलग अलग बातें अलग जगह करते हैं अलग अलग समय में करते हैं लेकिन उनका जो एक ज़बरदस्त एजेंडा है मतलब हिंदू राष्ट्र को कायम करने का या मनुस्मृति को लागू करने का या लोगों के अंदर घृणा की भावना बढ़ाने का वो तो चलते ही रहता है वो उनका प्रमुख एजेंडा है बाकी तो ये जगह हाशिया पर हैं केरला दूर है नॉर्थ ईस्ट दूर है बाकी तो ये जो कुछ हो रहा है तो भारत का जो मतलब जिसको कहना चाहिए जो प्रमुख हिस्से है उसके भौगोलिक रूप से उसमें हो रहा है जहाँ तक मुझे याद है कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी का जो उत्तर प्रदेश इकाई है उसने तीन चार दिन पहले मुख्यमंत्री को एक लेटर लिखा उसमें आप भी एक सिग्नेटरी थी तो उसकी उसमें आपने क्या मुख्य डिमांड्स क्या क्या हम लोगों की यही डिमांड थी जो बातें अभी हमने कही वो सब हम लोगों ने उनको लिखा था ये पुट ऑल दीज डाउन और उसमें एक तो हम लोगों ने कहा था कि ये जो कानून अपने हाथ में लेकर के लोगों की दुकानें जला रहे हैं लोगों की दुकानें बंद कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए देर शुड बी एक्शन टेकन अगेंस्ट विजिलेंटी ग्रुप्स एंड द पुलिस इज ऑल्सो हैरसिंग दैम टेकिंग मनी फ्राम दैम हमने कुछ थानों के बारे में कुछ डिस्ट्रिक्स के बारे में कहा एनी वे आई नो दैट सम हायर हैव टॉक टू दिस डिस्ट्रिक्ट चीफ्स एंड ऑल दैट तो ये कुछ है लेकिन जो हमारी प्रमुख डिमांड है वो ये कि इन लोगों का काम तो शुरू होने दीजिए और आप अपना सुधार करते रहिए तो हमने सुना है कि इट हैज़ मुख्यमंत्री ने उसको देखा है अपने संज्ञान में लिया है लेकिन अब वो क्या करेंगे पर अभी तक कुछ रिप्लाई नहीं है नहीं कुछ रिप्लाई इस तरह का है कि वो कह रहे हैं नहीं हम लोग कुछ सोच रहे हैं हम लोग कुछ कर रहे हैं क्योंकि उनको उच्च न्यायालय को भी जवाब बहुत जल्दी देना है सो लेटर सी